हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर क्रिएटिव यूट की एक और फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए टूल के साथ, जो कि है ये जनविता कंपनी की तरफ से आने वाला 550 वॉट का हैंड हेल्ड स्प्रे पेंट मशीन। तो दोस्तों, अब आप लोग ये मत कहने लगना कि क्या भाई, पहले ड्रिल मशीन बहुत ज्यादा हो रही थी, अब पेंट स्प्रे मशीन ज्यादा दिखा रहे हैं। तो गाइज, इसकी वजह आप लोग ही हैं, क्योंकि पिछली स्प्रे पेंट मशीन की वीडियो में आप लोगों ने काफी सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया और उस वीडियो को काफी अच्छे व्यूज भी आए। तो लग रहा है कि आप लोगों की वजह से ही मुझ पे पेंट स्प्रे मशीन बनाने वाली कंपनियों की नजर पड़ने लगी है, और जनविता कंपनी ने अपना ये पेंट स्प्रे मशीन मुझे रिव्यू के लिए भेजा है, ताकि मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स और इस मशीन के बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी मशीन के बारे में सारी अच्छी और बुरी बातें जानने वाले हैं, और साथ ही इसको बहुत अच्छे से टेस्ट करके देखने वाले हैं कि क्या ये मशीन आपके सारे काम कर सकती है या नहीं, और क्या ये मशीन खरीदनी सही रहेगी या नहीं। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इस मशीन के बारे में सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिल पाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन के साथ आपको बॉक्स में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस मशीन के बारे में जानकारी दी हुई है। गाइस, इस तरह की मशीन में पेंट ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है जो ना ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो, तो उसको मापने के लिए ये मेजरिंग कप मशीन के साथ ही आता है। बाकी इस मशीन में आपको एक एक्स्ट्रा नोजल मिल जाता है जो कि 2.6 mm का होता है, और मशीन में भी एक नोजल लगा होता है जो कि 1.8 mm का होता है। वैसे मुझे लगता है कि जो ये स्पेयर नोजल इसमें मिला है, इसका कोई खास यूज़ होना नहीं है, क्योंकि इस तरह की मशीन में बहुत ज़्यादा थिक यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा पेंट आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग फिर अच्छी नहीं आएगी। आपको एक सर्टेन अमाउंट की थिकनेस वाला पेंट ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि 1.8 mm नोजल के हिसाब से सफिशेंट होता है। बाकी ये भी आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाता है। बाकी दोस्तों, ये मशीन ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में आती है, और इनको असेंबल करना और डिसेंबल करना हम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यूज़ करते वक्त हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और गाइज, मशीन में जो पाइप लगा हुआ है, इसके टेढ़े होने का फ़ायदा ये है कि जब अगर आप मशीन ऊपर की तरफ इस्तेमाल करना चाहेंगे या नीचे की तरफ इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो ये मशीन पेंट को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएगी। बाकी तो वीडियो में देख सकते हैं कि मशीन को असेंबल और डिसेंबल करना कितना आसान है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो काफ़ी ड्यूरेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। गाइज, मेरे हिसाब से ये मशीन आपका साथ बहुत दिनों तक निभाएगी, साथ ही इस मशीन में आपको 6 महीने की वारंटी भी मिल जाती है। बाकी इस मशीन में 2 मीटर लंबी यानी कि लगभग 6.5 फीट लंबी केबल मिल जाती है, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी यहाँ पर इसके ट्रिगर में एक राउंड रेगुलेटर टाइप का स्विच दिया होता है, जिससे आप पेंट का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब हम ट्रिगर दबाएं तो पेंट ज़्यादा निकले या कम निकले, उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले रेगुलेटर स्विच से। और यहाँ पे इस मशीन के नोज़ल को घुमाकर हम इसमें मशीन के स्प्रे टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम राउंड गोल स्प्रे करना चाहते हैं, या इलिप्स की तरह स्प्रे करना चाहते हैं, या हॉरिजॉन्टल इलिप्स की तरह पेंट करना चाहते हैं, या वर्टिकल इलिप्स की तरह पेंट करना चाहते हैं, ये हम यहाँ पे से सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। तो गाइज, आप करते हैं इस मशीन की टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए मैं इस मशीन से वुड पे पेंट करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक कोट वाइट वुड प्राइमर का करूँगा और दूसरा कोट ऑयल पेंट का करूँगा, वो भी वाइट कलर का ही रहेगा। और गाइज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस तरह की मशीन में आप एक सर्टेन थिक अमाउंट का पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला पेंट आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो ये इसके साथ कप आता है, ये इसी काम के लिए होता है, ताकि आप इसका पेंट की जो थिकनेस है वो माप सकें, और वो मापने के लिए आपको इस कप को पूरा भर लेना है। और अगर आपका ये कप 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में खाली हो जाता है, तो पेंट बिल्कुल सही थिकनेस का है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कप को खाली होने में 60 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लग गया, इसका मतलब ये पेंट थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, अभी इसको पतला करने की ज़रूरत है। तो लगभग वुड प्राइमर में आपको 500 ml, अगर आपका वुड प्राइमर है तो 100 ml या 100 ml आप तारपीन का तेल या थिनर मिला लेंगे, तो ये बिल्कुल सही थिकनेस का आ जाएगा। तो गाइस, जहाँ पे इस मशीन को मैं टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखूंगा कि उतने ही एरिया को पेंट करने में ब्रश से कितना टाइम लगता है और इस मशीन से कितना टाइम लगता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ब्रश से पेंटिंग शुरू कर दी है और ब्रश से इस टोटल एरिया को कवर करने में मुझे लगभग 3 मिनट 5 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम लगा। वहीं अब हम लोग मशीन से इसको पेंट करके देखेंगे तो मशीन में जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं कितना कम टाइम लगता है। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियर फ़र्क देख सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, यानी कि लगभग एक तिहाई टाइम में ही आपने उतना ही एरिया कवर कर लिया इस मशीन से 1 मिनट 15 सेकंड में। और टाइम तो छोड़िए, आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी सही आती है स्प्रे पेंट मशीन से। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ब्रश में मैंने पेंट किया तो वहाँ पे हमें 2 कोट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी फिनिशिंग देने के लिए, लेकिन स्प्रे पेंट में आप एक ही कोट में काफ़ी अच्छी फिनिश पा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला कोट प्राइमर का, यानी वुड प्राइमर का, और वैसे एक ही कोट मुझे सफिशिएंट लगा इसलिए मैं एक ही कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्राइमर के कोट के बाद आपको एक बार सैंड पेपर से अच्छे से घिस लेना चाहिए जहाँ पे आपको अनफिनिश जगह लगे, उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं सैंड पेपर 150 नंबर का वाटर प्रूफ वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे अनफिनिश जगह लग रही है वहाँ पे मैं उसको इस्तेमाल किए ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक कोट ऑयल बेस पेंट की करने वाले हैं। तो गाइज उम्मीद है इस वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसी है ये जनविता कंपनी की तरफ से आने वाली 550 वॉट की हैंडहेल्ड स्प्रे पेंट मशीन। बाकी गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस इस मशीन के साथ रहा वो काफी अच्छा रहा, क्योंकि बाकी इस मशीन को ऑपरेट करने में या इस मशीन को इस्तेमाल करने में किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल मुझे पेश नहीं आई, और बहुत ही स्मूथली ये पेंट का सारा काम कर सकती है। देख जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि वीडियो में मैंने इस पे लकड़ी पे पहले एक वुड प्राइमर बेस किया, उसके बाद ये ऑयल बेस पेंट किया, तो ये वुड प्राइमर भी बहुत अच्छे से स्प्रे कर पा रही थी और ये पेंट भी बहुत अच्छे से स्प्रे किया है इस मशीन ने, और फिनिशिंग भी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आई है, ऐसी कोई कमी नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊं। बाकी वीडियो कैसी लगी या इस वीडियो पे कोई भी आपके सवाल सुझाव कुछ भी हो तो आप कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूले, कॉमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कॉमेंट्स का रिप्लाई लगभग देता ही देता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। बाकी अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे क्लिक करके इस मशीन को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।